नगर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विपिन शर्मा ने कहा कि रोहतास नगर मेरे लिए राजनीति का अखाड़ा नहीं है, मेरा घर है, मैं इस क्षेत्र की जी जान से सेवा करूंगा, उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए जिससे वो अधूरे कार्यों को पूरा कर सके और क्षेत्र के निवासियों के लिए और सुख सुविधाएं जुटा सके और क्षेत्र को खुशहाल बना सके। श्री शर्मा अपने समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस जनसभा को कांग्रेस की स्टार प्रचारक फिल्म अभिनेत्री नगमा और साधना भारती के साथ बिग बॉस एव रोडीज विनर अभिषेक कौशिक ने संबोधित किया। इससे पहले इन सभी का कांग्रेस उम्मीदवार श्री विपिन शर्मा व अन्य कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों ने पुष्प मालाओं से स्वागत किया। स्टार प्रचारक नगमा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दों से वे भटका रहे हैं और कांग्रेस आपके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। शाहीन बाग प्रकरण इसका जीता जाता प्रमाण है, दोनों ही पार्टियां इस मुद्दे पर असंवेदनशील हैं। नगमा ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। आज भी दिल्लीवासी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा किए गए कार्य को याद करती है। नगमा ने कहा क्षेत्र का विकास चाहिए तो कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस का दूसरा नाम विकास है और विपिन शर्मा का मतलब है क्षेत्र का विकास। स्टार प्रचारक नगमा और बाकी खास लोगों ने और क्या कहा आगे देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए अगर दिल्ली में वाकई में किसी ने काम करके दिखाया है और दिल्ली को जिस तरह से सुंदर और मेट्रो सिटी बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो ये जो भी आप देख रहे हो आज, ये प्रगति जो आप सिटी में देख रहे हो, जो इस स्टेट में देख रहे हो, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है, दूसरी किसी पार्टी का श्रेय नहीं है इसमें। और अगर बीजेपी पिछले 13 साल से एमसीडी में है तो सबने देखा है कि किस तरह से एमसीडी को इन्होंने संभाला है, किस तरह से कचरा की सफाई हुई है, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि हम स्वच्छ पानी देंगे लेकिन कोई स्वच्छ पानी नहीं मिला है, पानी गंदा मिल रहा है। बाकी भी कोई बहुत सारे उन्होंने कहा था कि वो क्या हॉस्पिटल लगाएंगे लेकिन वो भी नहीं इतने लगे, 10,000 के कुछ कहा था लेकिन 200 भी नहीं लगे। सीए और शाहीन बाग क्या चुनावी मुद्दा है वोट बैंक के लिए? मैं नहीं समझती कि सीए और शाहीन बाग कोई भी चुनावी मुद्दा है। आज बापूजी का पुण्यतिथि है और ऐसे दिन पे उन्होंने हमेशा कहा है कि अपनी बात हमेशा से एक तरीके से प्रोटेस्ट करके, बापूजी ने खुद प्रोटेस्ट किया था, साइलेंट प्रोटेस्ट किया था। देखिए अभी मैं रोहतास नगर विधानसभा की अगर बात करूं तो स्वर्गीय रामबाबू शर्मा जी के नेतृत्व में कई काम हुए हैं यहां पर, उन्होंने बहुत विधानसभा क्षेत्र में विकास किया और उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। वो छोटी थी, उनकी गोदी में भी खेली हूं और जब वो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय मैंने एक यात्रा भी निकाली थी, उसमें भी उन्होंने हरी झंडी देने का काम किया था। आज उनके सुपुत्र यहां पर हैं, विधायक भी रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा विकास किया है तो विपिन शर्मा जी ने किया है और ये बात मैंने यहाँ की जनता और यहाँ पर आया जन सैलाब बोल रहा है। तो जन सैलाब जो एकत्रित हुआ है ये भाजपा और केजरीवाल जो झूठवाल जी बन चुके हैं और जो सूट बूट के करोड़ों के जो नरेंद्र मोदी जी आज जिनके मंत्री मुख्यमंत्री सरेआम महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, गलत बातें करते हैं, तो इन्हें शर्मसार होना चाहिए और ये दिल्ली की जनता इनका सुपड़ा साफ करेगी और ये बताएगी कि हिंदुस्तान जो है वो महात्मा गांधी जी के अहिंसा पर और भारतीय संविधान पर चलता है और संविधान की आत्मा है सर्वधर्म संभाव की आत्मा और दिल्ली की जनता सर्वधर्म संभाव की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को बुलंद करने की बात करते प्रणाम नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा अवसर है, बसंत पंचमी पे आप सबको मेरी शुभकामनाएं और बहुत ही खुशी हो रही है कि विपिन शर्मा जी के लिए आज यहाँ पर आने का मौका मिला है। इन्होंने काफी कुछ अपने खुद के बारे में बता ही दिया है और इतना बताया है कि अभी कुछ बताने के लिए रह नहीं गया, लेकिन इनकी एक खासियत है कि इनकी जो मिठाइयों की दुकान के बारे में मैं सुन के आ रही हूँ। तो आप सबने हीरा मिठाई खाई है ना? जितनी मीठी इनकी मिठाई है उतने ही सभ्य और सुशील और इतने अच्छे कैंडिडेट आपको ये मिले हैं। तो इन्होंने जो इस एरिया के लिए क्षेत्र के लिए काम किया है, जो इनके पिताजी ने भी काम किया है, मैं नहीं समझती कि दूसरे और कैंडिडेट ने किसी ने भी काम किया है। तूने जब चुनाव में 5 साल पहले वोट मांगे थे तो तूने कहा था कि मैं बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा,
लेकिन पौने पांच साल तूने ना पानी फ्री दिया ना बिजली फ्री दी, और तूने दो महीने में तूने देखा कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ है, दिल्ली में विकास नहीं हुआ है, तो तूने बिजली के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी। लेकिन ये अगर आदमी दोबारा आ गया, ये विधायक दोबारा होगा आ गई, तो रोहतास नगर की विधानसभा की और दुर्गति।